हमारे एसपीओज भाई और बहने डीजी साहब को टेम्परेरी नजर आते हैं। बड़े बदकिस्मती है हमारी जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, जम्मू कश्मीर के एनएचएम एम्प्लॉइज, यानी जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, उनके कैरियर के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसे उनको उकसाया जा रहा है कि आप गलत काम करो। हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अरबों रुपया खर्च किए जाते हैं हमारे युवा को कौमी धारा में लाने के लिए। जो पढ़े लिखे लड़के 200 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, उनकी बात करने वाला यहाँ पर कोई लीडर और कोई ऑफिसर नजर नहीं आता। पिछले 7-8 साल से हमने दिन रात संघर्ष किया। कई पॉलिटिकल पार्टीज को आज मेरी बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख के 40,000 एसपीओ परिवार को, जब तक हक नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं है। वो डिजर्व करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। और एसओजी में जिन एसपीओ को रखा गया है, अभी आपने आप सभी जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले एसओजी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 25% अलाउंसेस एक्स्ट्रा जारी किए हैं। वहां पर भी जो एसपीओ भाई एसओजी में है उनको वहां पर भी उनके साथ नाइंसाफी की गई है। जो डीजी साहब ने खुद लिख के दिया है कि साइटेशन जिनके पास है उनको हम कंफर्म कर देंगे, जिनके पास आईटीआई डिप्लोमा है उनको कंफर्म कर देंगे, जो स्पोर्ट से रिलेटेड उनको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद भी आज की डेट में भी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर काफी फाइलें ऐसी पड़ी है जिनकी सारा प्रोसेस, सारी फॉर्मेलिटियां पूरी होने के बाद भी उनके ऊपर नजरसानी नहीं की जा रही है। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी, मंडे को मैं दिल्ली जा रहा हूँ और सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके देश के होम मिनिस्टर और देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आखिरी मेमोरेंडम देने जा रहा हूँ। और ट्यूजडे को दिल्ली के अंदर हमारा प्रोटेस्ट है, उसके बाद हम जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 एसपीओ के परिवार को लेकर, 61,000 डेली वेजर्स के परिवार को लेकर, एनएचएम एम्प्लॉइज को लेकर, आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर करो या मरो वाला जो आंदोलन छेड़ेंगे, जिसमें जिस तरीके से किसानों ने अपना संघर्ष किया था, तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के युवा को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि आज तक हमने हर एक रास्ता अपनाया, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा ऑफिसर नहीं होगा जिसके पास मैंने जाके चीख चीख कर बोला कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को इंसाफ दे दो। उसके बावजूद भी उनको इंसाफ देने के बजाय हमारी ही तकलीफ कुछ लीडरों को, कुछ ऑफिसरों को होने लगी है। अब मेरा इतना बड़ा परिवार है, आने वाले वक्त में इनको हम बदरिया आंदोलन बता देंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं उसका खमाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि मैं भी काफी समय से इस मुद्दे के साथ बना हूं और मैंने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर मैं नहीं पहुंचा। देश की सबसे बड़ी अदालत, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, अब कोई रास्ता अगर बचता है तो मैं उन्हीं से पूछता हूं, वहां भी मैं जाने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर अब भी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को, देश के होम मिनिस्टर साहब को, देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को इन कठपुतली लीडरों की बात से फुर्सत मिले तो जम्मू कश्मीर के युवा के मसले को हल कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले वक्त में आप जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐतिहासिक आंदोलन देखोगे जिसकी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने कल्पना तक नहीं की होगी, यही कहना चाहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।